सो हेलो एवरीवन, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जय टेक। गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे जो कि यूपीटीयू के थ्रू, मतलब यूपीएसडब्ल्यू के थ्रू लेती है। डिस्कस करेंगे उनके फी स्ट्रक्चर को, कितना फी लगता है, कितने रैंक तक मिल जाता है, सारी ही चीजों को डिस्कस करेंगे। उनकी रैंकिंग क्या है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें प्लेसमेंट कैसा है, तो डिटेल रिव्यू में मैं ये बात करूंगा, है ना। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, आपको सारे ही डाउट जो है ना वो कवर हो जाएंगे। ये सारे ही डाउट्स मैंने आपके कमेंट सेक्शन से लिए हुए हैं। जो भी आप कमेंट्स करते हो तो वो कमेंट्स मैं भले ही कभी रिप्लाई ना कर पाऊं, पर मैं डाउट्स जरूर टैकल करता हूँ अगले वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 कॉलेज की। तो नंबर 1 कॉलेज 2017 से पहले एचबीटीयू हुआ करता था, लेकिन जब से एचबीटीयू को हटा दिया गया है, जेई मेन्स के थ्रू कर दिया गया है, तब से नंबर 1 अपना आईईटी है। 1984 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना। जो ओवरऑल फी स्ट्रक्चर है वो 89,775 है। एडमिशन बेस्ड ओनली यूपीएस डबल इंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू लेता है, जेई मेन्स के थ्रू नहीं लेता, ठीक है ना। आप उसको मत देखना, एरर्स है वो, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर में है ये, ठीक है। 1979 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि आईटी से भी पहले का है। ऊपर से जो इसकी फी है वो ऑलमोस्ट 74,350 है। इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो यार, काफी रेपुटेटेड कॉलेज माना जाता है यूपीटीयू के अंदर। सेकेंड रैंकिंग स्टैब्लिश करता है अपने आप में। इससे पहले MMM को सेकेंड रैंकिंग दी जाती थी, जो कि मदन मोहन मालवीय है, जो कि अब UPTU के थ्रू नहीं लेता, अपना MMTU के थ्रू और JEE मेंस के थ्रू काउंसलिंग करवाता है, जो कि गोरखपुर में स्टेब्लिश्ड है। डिटेल में बात करेंगे कितने कट ऑफ तक जाएगा, इसके लिए आपको वरी नहीं करना है, वीडियो को थोड़ा आगे तक देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पे, जो अपना कॉलेज है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी। स्टैब्लिश जब ये हुआ था, ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। सारे ही ब्रांचेस अवेलेबल हैं इसमें, बीटेक के लिए एमबीए कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जो फी स्ट्रक्चर है इसका, जो काफी कम है एज कम्पेयर टू इन टॉप 2 कॉलेज के। इसका जो फी है वो ओवरऑल 54,300 ही पड़ता है। इसमें हॉस्टल चार्ज आपका 20,000 और ऐड कर लीजिए, तो ओवरऑल पर ईयर 74,000 पड़ेगा, जो कि काफी, आप कह सकते हैं कि एक अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं और ओवरऑल टॉप 3 में आता है और काफी ओल्डेस्ट कॉलेज है। उस हिसाब से इसका फीस स्ट्रक्चर काफी कम है गाइस। बात करते हैं नंबर 4 पे, जो है कि डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप्ड कानपुर। काफी लोगों को इस कॉलेज के बारे में आइडिया नहीं है। बहुत लोग यही समझते हैं कि कॉलेज हैंडीकैप्ड के लिए, AITA जो है वो हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेफरेंस हैंडीकैप्ड को दी जाती है, बहुत सारी सीटें हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है। बट बिल्कुल जनरल कैंडिडेट्स ओबीसी एससी एसटी के लिए भी इसमें सीट्स अवेलेबल होती हैं, आपको मिलती हैं इसमें सीट्स, है ना। ओवरऑल इसका आप जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है काफी अच्छा है, इसलिए नंबर 4 पे आता है। 100% प्लेसमेंट समझिए आप इसका, ठीक है ना। जो ओवरऑल फी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, 77,800 है। और जो मोड ऑफ जो एडमिशन है वो UPSEE का काउंसलिंग ही है और कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। अब राजकीय कॉलेज आने स्टार्ट हो गए हैं, तो राजकीय कॉलेज की रैंकिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है। तो सबसे पहले जो मैं रैंक करूंगा वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा है, जो कि थोड़ा अच्छा मैं मानता हूँ। डिटेल में इसके फीस स्ट्रक्चर को समझेंगे। 54,300 अभी आप समझ लीजिए, थोड़ी देर में मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है। और जो इसमें एडमिशंस है वो अदर ब्रांचेस के, जैसे CSE IT ECE सबकी 60-60 सीटें अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं है, इलेक्ट्रिकल के। तो ओवरऑल जो सीट्स हैं इसमें अराउंड 240 से 300 सीट्स अवेलेबल हैं। गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर, ठीक है, ये थोड़ा नीचे आता है। मैं राजकीय कॉलेज के रैंकिंग में थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करना बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, उससे जो अच्छा कॉलेज है वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ है, ठीक है। दो और कॉलेज हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा कि जो टॉप 10 में आते हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी। अब गाइस इनके फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं ना, कि एक्चुअली फीस स्ट्रक्चर कितना होता है इन राजकीय कॉलेज। सो गाइस, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा का फीस स्ट्रक्चर है। आप थोड़ा फीस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें जो 40,000 रुपीज है वो ट्यूशन फी है। सारे ही राजकीय कॉलेज का जो ट्यूशन फी है वो ऑलमोस्ट सेम है, 40,000 रुपीज। जो अदर एक्सपेंसेस, जो आपका लाइब्रेरी फी वगैरह इंक्लूड करके जो ओवरऑल फी बनता है वो है 54,300, है ना। और उसके बाद हॉस्टल फी जो है इसमें देखिए कितना कम है, ओनली 9,600 में आपको हॉस्टल अलॉट होता है। रूम रेंट है 4,800 का, ठीक है।
जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्ज है वो 2600 आपसे लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक फैन चार्ज 300 लिया जाएगा, एंड यूटेंसिल एंड कोकरी चार्जेस 500 है, हॉस्टल एक्टिविटी चार्ज ये है, बस चार्जेस 200 है, तो 9600 आपका हॉस्टल का चार्ज है जो कि काफी कम है ना। तो ओवरऑल आप जोड़ दोगे तो ये 64,000 के आसपास नियर बाई बैठेगा, 63,000 समथिंग। तो आपको डिटेल में आइडिया लग गया होगा फीस स्ट्रक्चर को लेके। चलिए किसी और कॉलेज के ऊपर बात करते हैं। तो अपना दूसरा कॉलेज है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नॉच, एज कम्पेयर टू जो हमने बात की थी बांदा, इस थोड़ा सा कॉस्टली है। देखिए फीस स्ट्रक्चर में जो ट्यूशन फी है वो सब सेम है 40,000, लेकिन जो इसके अदर चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा है, मतलब 13,000 ये अदर चार्जेस हैं जो इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ओवरऑल जो पहुंचता है वो 68,000 है, और इसका हॉस्टल और मेस मिला के 30,000 है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 98,000 के आसपास बनेगा, जो कि काफी ज्यादा महंगा है, ठीक है, अगर हम राजकीय की बात करें तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज। पर सारी ही फैसिलिटीज हैं आपको, हॉस्टल और रूम रेंट और मेस सारा कुछ इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। एक और राजकीय कॉलेज का मैं एग्जाम्पल लूंगा, है ना, थोड़ा और आपका क्लियर हो जाए अच्छे से। सो गाइज ये जो अपना तीसरा राजकीय कॉलेज है वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र है, जिसका जो देखिए आप ट्यूशन फी ऑलमोस्ट सेम है 40,000 रुपीज, अदर एक्सपेंसेस मिला के आपका 68,300 जो इसका टोटल फी पहुंच जाता है, राइट। अगर हम बात करें इसका हॉस्टल फी और सब कुछ जोड़ जाड़ के, तो ये 16,000 चार्ज करते हैं हॉस्टल फी के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो ओवरऑल आपका बनेगा वो अराउंड समथिंग में 80,000 के आसपास जाएगा इसमें भी। तो ये ही सारे फीस हैं जो सारे ही राजकीय कॉलेज में हैं। मैनपुरी की बात कर लें, चाहे सोनभद्र की बात कर लें, चाहे कन्नौज की बात कर लें, चाहे आजमगढ़ की बात करें, चाहे अंबेडकर नगर की बात करें, ऑल दो 7-7 ऐसे कॉलेज हैं जो राजकीय कॉलेज हैं। और उसके अलावा जो टॉप 4 जो मैंने बताए वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, IIT, KNIT एंड BIT एंड डॉक्टर जो अम्बेडकर नगर फॉर हैंडीकैप। तो आई होप कि आपको फी स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब हम डिटेल में बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर कि कितने रैंक तक आपको ये कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा गाइस। सो गाइस ये है फाइनल कट ऑफ जो कि यूपीएस दिवाली का लास्ट राउंड का कट ऑफ है, फोर्थ राउंड का। इसके बाद सीधा स्पॉट राउंड काउंसलिंग हुई थी। तो उसके कट ऑफ के टेक्नोलॉजी हैंडीकैप कानपुर की बात कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इसका जो कट ऑफ गया है वो आप देख सकते हो 15,000 पे ये क्लोज हो गया है, मतलब 15,000 तक गया है। मतलब आपके जो मार्क्स अगर बन रहे हैं वो अगर आपके मार्क्स 260 के आसपास बन रहे हैं, 270 के आसपास बन रहे हैं, तो आपको ये डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इजिली अलॉट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप कट ऑफ का एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके मार्क्स 300 से अबव बन रहे हैं, 300 से अबव बन रहे हैं, तो आपके चांसेस है कि आपको टॉप 3 जो कॉलेज है वो इजिली अलॉट हो जाएगा। ओवरऑल ब्रांच वाइज कट ऑफ थोड़ा मैटर करता है, जो CSE एंड IT के कट ऑफ है काफी हाई जाते हैं इन कॉलेज में, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको। सारे ही कट ऑफ के लिए करीब 1.5-2 घंटे का टाइम लग जाएगा मुझे बस कट ऑफ दिखाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ है रैंक वाइज ब्रांच वाइज, तो अननेसेसरी जो वीडियो का लेंथ है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि थोड़ा पेशेंस का गेम है जो UPSEE काउंसलिंग है, उसमें अगर आपने थोड़ा पेशेंस रख लिया, आपने पार्टिसिपेट किया। देखिए ये फोर्थ राउंड का कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कुछ और होता है, सेकंड का कुछ और होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करना है। सो गाइज उसी से रिलेटेड मैंने जो है कंप्लीट अपना काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग प्रीमियम रखा हुआ है, जो कि जेटेक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के नाम से है। ऑल दो ये जो प्रीमियम है वो बहुत एक लेस अमाउंट है, 399 रुपीज का, जिसमें आपको मिल जाता है कि आप डायरेक्टली फोन कॉल के थ्रू मुझसे सजेशंस ले सकते हो, मुझसे गाइडेंस ले सकते हो कि आपको अपने रैंक वाइज कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको जो अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग है वो कैसे रखनी चाहिए, किस ऑर्डर में रखनी चाहिए, चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम कैसा रखना चाहिए, जिससे आपको एक बेस्ट कॉलेज के कम रैंक पे भी अलॉट हो सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये है गाइस कि जो ये वैलिडिटी है इसका एडमिशन तक है, डायरेक्टली आप मुझसे फोन कॉल के थ्रू चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम सपोर्ट पूछ सकते हो, आप कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हो, आपके चाहे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। बेसिकली ये पेड काउंसलिंग जो कि एक मिनिमम चार्जेस पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई
जो हाईएस्ट पेड काउंसलिंग्स है, जो बड़े बड़े काउंसलर जो चार्ज करता है 20,000-25,000, तो इसलिए एक मिनिमल अमाउंट है। लेकिन हाँ, इसकी गारंटी है कि अगर आपने मेरे चॉइस फिलिंग को एल्गो को अच्छे से प्रॉपर फॉलो किया और आप वही आपने चॉइस फिलिंग की जो मैंने आपको सजेस्ट किया, तो आपके चांसेस आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक थोड़ी भी लो है, आप उस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन आप क्लियर कर लोगे विद द हेल्प ऑफ माई गाइडेंस। गाइडेंस लेने के लिए कुछ नहीं करना, आपको व्हाट्सएप कर देना है 9899335725 पे। आपको मेरा पेमेंट लिंक रिसीव हो जाएगा 399 का। जैसे ही आप पेमेंट को डन करते हैं, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता। गाइज, सो आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना गाइज। इस पे लेकिन आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स मत पूछना, क्योंकि डाउट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा। जो ये प्रीमियम है वो ओनली प्रीमियम मेंबर्स के लिए है जो ये ऑफर है, तो आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी आप डाउट पूछोगे तो रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने डाउट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।